एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। तो अभी जो है मेरे को स्क्रीन के ड्रेसेस फिर से आ चुके हैं। मैंने इस बार 5 ड्रेसेस मंगाई हैं और 5 ड्रेस में से 4 मेरे लिए और 1 मेरे हस्बैंड के लिए मंगाई है। मैं मेरे हस्बैंड के साइज़ को लेके, क्योंकि स्क्रीन पे जो है जो आपका हमेशा ओरिजिनल साइज रहता है उससे थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है, जिसका स्मॉल होता है उसका एक्सेस भी हो जाता है, मीडियम भी हो जाता है। तो मैं थोड़ा स्पेक्टिकल थी इसलिए मैंने उनके लिए ज़्यादा शर्ट्स नहीं मंगाई, एक ही शर्ट मंगाई है। तो उनकी भी मैं शूटिंग करूँगी अभी और अपनी तो करूँगी। जैसे मैंने बताया मैं अपनी शूटिंग करवाती हूँ तो वो एकदम उसको फ्लॉप कर देते हैं, इसलिए उनकी शूटिंग तो मैंने कर दी और अपनी मैं खुद करूँगी। तो जो 5 ड्रेसेस हैं मैं वो एक एक करके दिखा देती हूँ और मेरे हस्बैंड को भी दिखा देती हूँ आपको। तो ये मैंने एक ड्रेस पहन रखी है जिसको मैंने यहाँ पे बेल्ट के साथ पेयर किया है, क्योंकि इसकी जो बॉर्डर है ये मेरे बेल्ट की कलर की थी। ये बेल्ट इसके साथ नहीं आई लेकिन इसके साथ मैंने पेयर किया है। तो ये अगर ड्रेसेस आपको अच्छी लगे तो पक्का मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मैंने लिंक्स दे दिए हैं जो मेरे साइज़ के हैं। अगर वो ऐसी ड्रेसेस पहनना चाहते हैं तो वो पहन सकते हैं। और एक मॉमी अपने आप को बेटर भी प्रेजेंट कर सकती है, ये नहीं ना कि हमेशा घर में एकदम माँ बनी है तो कोई मेकअप नहीं करना है, कोई फैशनेबल या ट्रेंडी ड्रेसअप नहीं होना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप को खुश करते रहो, अपने आप को खुश रखा करो, सभी जो है अच्छा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अपनी ड्रेसेस दिखा देती हूँ। तो मैंने ये वाली इयररिंग्स पहनी है जो पहनना भूल गई थी मैं थोड़ी देर पहले, तो मैंने अभी पहन कर लिए। मेकअप अच्छा लग रहा है कि नहीं बताना है ना। और आज मैंने बिंदी नहीं लगाई क्योंकि वेस्टर्न आउटफिट है। तो दिखा देती हूँ आपको ड्रेस। ड्रेस में ये पूरा ऊपर से जो है नेट लगा हुआ है, वो जो भी आपको डिज़ाइन दिख रहा है, और ये भी देखिए नेटेड है। तो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा नेटेड है। और ये मैंने एक सिंगल ड्रेस की तरह पहना हुआ है। अगली ड्रेस है ये वाली, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट आउट ऑफ दीज 5 अभी जो मैंने ऑर्डर किया उसमें से। इसमें यहाँ नीचे ऑलरेडी इसके साथ ये वाली बेल्ट दी हुई है। एंड नाउ दिस इज़ द ड्रेस जिसको मैंने डिज़ाइन किया है, एंड यू विल डेफिनेटली लव इट। हाउ इज़ द लुक, एंड आई हैव मेड इट अ जंप सूट। कैसे बनाया वो बाद में बताती हूँ मैं आपको, नाउ आई विल शो यू द लुक। कैसा लगा ये स्टाइल? अभी इसका सीक्रेट जो है आपको नेक्स्ट ड्रेस में दिखेगा कि क्या है। इट्स द लास्ट वन। तो इससे पहले जो मैंने आपको ड्रेस दिखाई, जो ब्लैक वाला लोअर था, वो एक जॉगिंग मान लीजिए या घर में पहनने वाली नाइट ड्रेस उस टाइप से मान लीजिए। इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट है ना, इतना स्ट्रेचेबल है कि इसमें 2-3 लोग आराम से घुस जाएंगे, इतना स्ट्रेचेबल है। तो ये मैंने जो पैंट पहन रखी है इसके साथ में अभी दिखाती हूँ आपको। ये टी शर्ट है जो बहुत ही स्ट्रेचेबल है, इसको मैंने नॉट किया है बीच में से। यू कैन डिजाइन द ड्रेस वॉट एवर वे यू वॉन्ट टू। तो मैंने ऐसे करके टाई किया था, तो मैंने इसको ऐसे करके यहाँ पे ऐसे टाई कर लिया था। आप इसको अपने स्टाइल में पहन सकते हैं, अगर आप नॉर्मल पहनना चाहते हैं नॉर्मल पहन सकते हैं। तो ये जो इसकी जो ट्राउजर है ये यहाँ तक भी पहन सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ तक चढ़ा लिया है, तो ये देखिए ऊपर तक जाती है ऐसे।
ऐसे चढ़ा लिया, और इसके साथ जो मैंने रेड कलर का पहना था वो ऊपर से ऐसे पेयर किया था ताकि पूरा एक जंप सूट प्लस जैकेट जैसा लगे। और ये टॉप मैंने ऐसे रखा है अभी। अगर आप चाहे तो हाई नॉट बांध सकते हैं, अगर चाहे तो नीचे लो नॉट भी बांध के ऐसे पहन सकते हैं। व्हिचएवर वे यू लाइक आप वैसे पहन सकते हैं। घर में काम चल रहा है तो उसकी भी साउंड आ रही है। तो ये जो मैंने आपको अलग अलग तरीके से दिखाया है, अच्छा लगा कि नहीं आपको? अब मेरे हस्बैंड की ड्रेस भी देख लीजिए। तो देख लिया आपने मेरे हस्बैंड की ड्रेस भी, काफ़ी अच्छी लगी मुझे वो शर्ट। अभी उनका साइज़ परफेक्टली आ गया इसलिए मैं आगे से और भी मंगा सकती हूँ उनके लिए। और जिस तरह से आज मैंने कपड़े आपको पेयर करके दिखाए और ड्रेसअप होके दिखाया, दैट इज़ कम्प्लीटली अ न्यू लुक ऑफ मी फॉर यू पीपल। तो आप अपने कपड़ों को उस हिसाब से भी ड्रेसअप कर सकते हो। तो ये जो मैंने आपको पैंट्स दिखाई थी वो आप पक्का लेना यार, बिकॉज आप उसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो और उसके ऊपर जैकेट डाल सकते हो या कोई भी टाइप का टॉप भी पहन सकते हो। इट विल गो वेरी वेल विथ एनी थिंग। और ये जो टॉप पहन है ये तो इतना कम्फर्टेबल है कि अभी तो मेरे को खोलने का मन नहीं कर रहा है। मतलब एक रहता है ना कि नए कपड़े आज पहने तब पहने, तो अभी तो मैं चेंज कर लूँगी और इसको कल परसों किसी ना किसी ब्लॉग में पहनूंगी। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। मैं शीन को दाद देती हूँ कि इतना अच्छा मटेरियल प्लस इतनी अच्छी क्वालिटी और इतने ट्रेंडी कपड़े लेके आता है जो हमको मार्केट में ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। एंड इट इज़ कम्पेरेटिवली जो ऐसी ड्रेसेस है, अगर आप मार्केट में जाके भी लेंगे, कोई भी शॉपिंग मॉल भी चले जाएंगे, तो इतने सस्ते में नहीं मिलेंगे आपको जितने आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो लिंक्स मैंने नीचे दिए हैं, आप क्लिक करके पक्का देखिएगा, आपको और भी ड्रेसेस देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको लेना है या नहीं लेना है। ये ड्रेसेस आपको सस्ते में तो बाहर बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि जो मैंने अपने हस्बैंड की शर्ट मंगाई है वो 1200 की 1300 की है, लेकिन सेम शर्ट ऐसी हमने यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल से ली थी, टिप्सी टॉप से ली थी, उनको वो 2300 एक पड़ी थी और दूसरी जो है 3000 पड़ी थी। तो आप देख लो कितना वेरिएशन है। तो चलिए, आई होप आपको ये शीन का हॉल बहुत पसंद आया होगा। तो आई विल कैच यू इन माय अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।